आप देख रहे हैं फेस स्टूडियो न्यूज, जज्बा सच दिखाने का। ये घटना मेरठ की है, जहां पर ई रिक्शा चालक के साइड लगने की वजह से पुलिस वाले ने उसको पहले मारपीट की और उसके बाद उसको गोली मार दी। ये खबर आ रही है मेरठ से। बताया जा रहा है कि ई रिक्शा चालक को पुलिस वाले ने गोली मार दी, जो कि मेडिकल कॉलेज में भर्ती है। वहीं ई रिक्शा चालक के परिजन इस बात को लेकर परेशान हैं। भगाओ, अरे उनने मेरे पे हमला चला दिया, उनने मुंह पे मार रहा था, पेट पर रख के चला दिया, एकदम निकाल दिया। क्या क्या चला दी? एक बंदूक थी व्हाइट कलर की, सफेद सी, वो चला दिया। मेरे आगे और बैठा था, उस पर वो चला रहे थे, उनको और कान पर रख दी थी, वो बच गया, मैं बेहोश हो गया। किसने चलाई है? पुलिस वाले ने। तो उपचार के लिए जा रहे हो क्या आप? जी मुझे दिखा दो तुम, मेरे क्या नाम है आपका? सादा। कहाँ के रहने वाले हो? सामने। वहीं शादाब से जब हमने मिलने की कोशिश की तो वहाँ पर डॉक्टर ने काफी रोका, लेकिन हमने वो उसके कुछ विजुअल वहाँ से ले लिए और उसके जो बयान थे हमें पहले कहीं और से मुहैया कराने पड़े। जिस तरह से डॉक्टर बराबर उसे ट्रांसफर कर रहे हैं और मीडिया से मिलने नहीं दे रहे हैं, तो उससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं इसमें पुलिस वाले ने इन लोगों से मिली भगत करके ऐसा किया है। क्या नाम है? मेरा नाम शाहनवाज है। अच्छा, जिसकी गोली लगी है उसका क्या नाम है? वो मेरा भाई शाहनवाज है। अच्छा, कितनी उम्र है उसकी? 25 साल। अच्छा, तो इनकी शादी हो चुकी है? शादी हो गई। कितने बच्चे हैं? एक बेटी है मेरे। एक बेटी है। कितने दिनों पहले शादी हुई? 2 साल हो गए। अच्छा, क्या करते हैं? वो बैटरी रिक्शा चलाते हैं। अच्छा, तो क्या हुआ था? बस ये था कि अगर मैं सड़क के साइड में जाकर घूमने के पुल पे जो गए पास में, तो 1 से 2 पचपचके मांगने लगे बैटरी रिक्शा वाले से, तो एकदम पीछे से गाड़ी आई, क्या नाम है, तो उसमें पहले तो शॉट मारे भाई ने मेरे, तो उसके बाद में पेट पे लगा के गोली मार दी। अच्छा, इसका गोली मारने वाला का क्या नाम था? नाम तो मेरे पापा को पता है। अच्छा, आपको मालूम है? आप मुझे मालूम है। अच्छा, शादाब जो कि ई रिक्शा चालक था और ई रिक्शा चलाकर अपना गुजारा करता था, भूमिया पुल पर उसका ई रिक्शा पुलिस वाले की गाड़ी से कहीं साइड लग गई थी, तो पुलिस वाले ने पहले तो उसे मारपीट की और उसके बाद उसको अपनी 2 नंबर की पिस्टल से गोली मार दी। गोली शादाब के पेट में लगी हुई है। शादाब मेडिकल कॉलेज में भर्ती है, जहां उसे जगह जगह ट्रांसफर किया जा रहा है। उसके परिजन काफी परेशान हैं। वहीं एक बड़ा सवाल ये उठता है, जब जनता के रखवाले ही जनता को इस तरह से गोली मारने लगेंगे तो जनता की रखवाल आखिर कौन करेगा? कैमरामैन रमजान अली के साथ मैं शाविज हुसैन जैदी।